श्री मात्री ना महा टेंथ डायमेंशन को कैसे एक्टिवेट किया जाए टेंथ डायमेंशन के ताले का चाबी क्या है अपने दिल के ताले का चाबी क्या है आइए जानते हैं आइए बात करते हैं हेलो माई डूइंग ग्रेट हैप्पी एंड हेल्दी बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अर चर्न सो यू मोट वेट अस इन बिंग ऑफ दिस सीक्रेट कटेंट यू यॉल सो ये पार्ट थ्री है मेरा जो टेंथ डायमेंशन वाला सीरीज है उसमें और मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाया हुआ है टेंथ डायमेंशन पे के ऊपर लेवेंथ डायमेंशन के ऊपर अवतार के ऊपर और ये पूरा जो कॉन्शियसनेस है अवतार कॉन्शियसनेस उसमें क्या होता है क्या नहीं उन सब के ऊपर अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देख के कन्फर्म साइंस भी बनाया है अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और देखिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है अपना डायमेंशन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तो ऑलरेडी मैंने दो पार्ट भी बना दिए इसके और ये तीसरा पार्ट है है ठीक तीसरा पार्ट में जैसे मैं कह रही थी ना कि मैं ऐसे कुछ मंथ्स के लिए वो 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 देख रही थी वो सीरियल तो वो हो गया जब मैं देख रही थी वो प्रेजेंट मोमेंट में देख रही थी फील कर रही थी वाइब्रेशंस ले रही थी अनलॉक कर रही थी वो सब हुआ है ठीक है पर उसके बाद जो चला है ना जिस मैंने देखा और उसके बाद जब मैं वो देख रही थी उसके बाद फिर मेरे एग्जाम्स आ गए और मैं वो वाइब्रेशन में थी ठीक है वो हैप्पी वाइब्रेशन में वो लव वाइब्रेशन में थी और मुझे बहुत अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा था कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत पेन बॉडी हील हुआ है और कभी कहीं ना कहीं, कहीं वो जो पेन दिया है दूसरों ने या फिर मैंने खुद तौर्स के थॉट्स के थॉट्स की वजह से जनरेट कर लिया था तो वो थोड़ा थोड़ा जाने लगा और मैं हैप्पी हैप्पी फील कर रही थी और वो उस हैप्पीनेस की हैप्पीनेस की वाइब्रेशन से उस लव वाली वाइब्रेशन से मैंने एग्ज़ाम भी लिखा अपना प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुई हूँ उस टाइम पर ठीक है जब मैं ये कर रही थी ठीक है वो सेमेस्टर मेरे लिए बहुत अच्छा था मैंने वो सीरीज़ भी कंप्लीट किया और मैंने आ, मैंने अपना एग्ज़ाम्स को भी पास कर लिया था मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद वो हैप्पी वाइब्रेशन के साथ वो लव वाइब्रेशन के साथ वो लव वाले फ्रिक्वेंसी के साथ और मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही थी और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने एग्ज़ाम्स लिखा था और जैसे ही मैंने ये पूरा कंटिन्यू में दिन रात दिन रात ये देख रही थी और मुझे ऐसा अंदर से तो ऐसा कॉन्शियसली डर भी लग रहा था कि मेरे एग्जाम्स से और मैं ये देख रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था पर मैं ऐसा स्टॉप नहीं कर पा रही थी उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यूस देख रही थी एक के बाद एक एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट के एपिसोड जब तक मैंने पूरा देख नहीं लिया ना मुझे वो चैन नहीं मिला था और मिले नहीं थे कि लास्ट एंडिंग में क्लाइमैक्स में वो क्या होता है उनके साथ वो नहीं मिला तो मैंने कहा कि ठीक है अभी मैंने बहुत ढूंढा कोशिश किया और मेरे एग्जाम्स भी पास आ रहे थे और मैं वो क्लाइमैक्स ढूंढने में पड़ी थी मुझे बहुत डर लग रहा था पर फिर भी मेरा दिल कुछ कह रहा है मेरा दिमाग कुछ कह रहा है मेरा दिमाग कह रहा है ये क्या कर रहे हो तो तुम तो पागल हो गए हो क्या एग्जाम से और ये सब कर रही हो और मेरा दिमाग दिल कह रहा था कि ढूंढो ढूंढो नेक्स्ट एपिसोड कहा है क्लाइमैक्स में क्या हुआ है ढूंढो 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 ऐसा हो रहा था पर मुझे क्लाइमैक्स मिला नहीं तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बहुत अच्छा था ये जो भी था और मुझे अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ और पता नहीं क्लाइमैक्स ना मैं एग्जाम्स के बाद ढूंढ लूंगी मतलब हॉलीडेज जब मिल जाएंगे तब मैं ढूंढ लूंगी तब मैं कंटिन्यू कर लूंगी ये देखना अब फिलहाल तो एग्जाम वाला जो पहाड़ है वो पड़ा है मेरे ऊपर सामने तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूं ठीक है ऐसा करके जो पॉजिटिव एनर्जी है वाइब्रेशन है तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव और हैप्पी एंड हाई वाइब्रेशन फील कर रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा चार्जअप फील कर रही थी मैं एनर्जी से कम्प्लीटली भर गई थी ऐसा तो मैं मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थाट्स नेगेटिविटी कुछ भी नहीं था मैं बस बहुत ही चार्जअप फील कर रही थी ऐसा होता ना कि बैटरी जब कम होता है वो फो, फ़ोन सीधा नहीं चलता है पर बैटरी अगर फुल हो गए तो फ़ोन टका टका फटाफट चल जाता है ऐसा तो मैं वो फ़ोन थी और मेरा बैटरी फुल था तो मैं फटाफट टका टका मैं बहुत ही जैसे कॉन्सन्ट्रेट करके मैंने मैंने अपना एग्जाम्स के लिए तैयारी की जो भी बचा कुचा टाइम था ना उस टाइम पे अपना एग्जाम्स की तैयारी की और मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए और मेरा पूरा प्रोफेशनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गया उस टाइम पे तो मेरा प्रोफेशनल एग्जाम्स निकल गया और मैंने कहा कि थैंक गॉड मैं बहुत ही छास्डा पावर्डअप फील कर रही हूँ और मैंने एग्जाम्स भी बहुत अच्छी तरीके से निकाला और मुझे बहुत पढ़ने में भी बहुत ऐसा मन कर रहा था और जैसे ही मैंने ये कम्प्लीट किया ना मैं बहुत ऐसा हैप्पी हैप्पी हाई वाइबेशन पॉजिटिव फील कर रही थी और उस एनर्जी ने मुझे हेल्प किया कि पढ़ने में भी मैं बहुत ही ज़्यादा से मोटिवेटेड फील कर रही मैं फटाफट फटाफट जो भी मेरे चैप्टर्स हैं जो भी मेरा पोर्शन है सिलेबस है एग्जाम के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया था और वो सब कुछ मैं एक लगातार पढ़ने लगी पढ़ने लगी पढ़ने लगे फिर एग्जाम का दिन आ गया फिर मैंने एग्जाम दे दिया और वो खत्म एग्जाम पास हो गए रिजल्ट भी आ गया था फिर मैंने वो प्रोफेशनल एग्जाम से सब मेरा निकल गए तो वो सेमिस्टर पूरा मैं ऐसा मेरा वो प्रिपरेशन चल रहा था तो ये सब ये जब सीरियल देखा और एग्जाम्स भी हो गया ना उसके बाद एग्जाम के बाद जब वो एग्जाम वाला फेज था ना फिर मैं एग्जाम के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी अलडिन का छोड़ मतलब बैकग्राउंड में था फिर भी लेकिन थोड़ी देर के लिए वो पॉज हो गया अलडिन वाले थॉट्स ऐसे फिर मैं एग्जाम के जब वो, वो फेज चला गया ना मैंने एग्जाम जैसे लिख दिया तो मेरे अंदर ना वो एक चलने लगा क्या कहते हैं उसे वो थॉट्स चलने लगे कि बगदाद अल्डिन ईरान इराक ऐसे वो कंटिन्यूस ऐसे चलने लगे आ, प, आ, मैं ऐसा लाइक कंटिन्यूस कुछ लाइक कुछ दिनों के लिए ना मेरा माइंड में वो चलने लगा वो वाइब्रेशन वो फ्रीक्वेंसीज वो सब चलने लगा चलने लगा चलने लगा, चलने लगा. मैं उस चीज़ों के बारे में ऐसा सोच रही थी उस चीज़ों के बारे में मुझे उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि डाउनलोड्स क्या होते थे पर मैं अवेकंड नहीं थी पर उस टाइम पर ना मुझे कुछ ऐसा रिसीव हो रहे थे चीजें और बहुत कुछ हो रहा था एक्चुअली वो मेरा एनर्जेटिकली मेरे अंदर चीजें चेंज हो रहे थे मेरा DNA चेंज हो रहा था ऐसे हो रहा था मेरे साथ पर उस टाइम मुझे वो क्या नहीं पता था कि ये सब क्या है ऐसा वाला तो uh, मे, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस चल रहे थे और वो वो, वो सीरीज मेरे लिए वो एक एक्टिवेशन टाइप का था तो जिस दिन मैं मैंने वो वो सीरीज कंप्लीट किया ना उ, उस उस टाइम से लेके उस टाइम से लेके वो स्टार्टिंग पॉइंट था उस टाइम से लेके अब तक जब मेरा जो टेंथ डायमेंशन अब तक नहीं, मतलब लास्ट ईयर मेरा लास्ट ईयर ने मुझे याद नहीं है कब मेरा टेंथ चक्र एक्टिवेट हुआ है पर जब भी वो हुआ है अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा तो जब से मैंने वो सीरीज देखना शुरू किया तब से लेके द, अ, मेरा टेंथ डायमेंशन टेंथ चक्र एक्टिवेट होने तक ना वो पूरा एक प्रोसेस चला मेरा प्रिपरेशन चला वो कुछ सालों का प्रिपरेशन था ऐसे आप सोच सकते हो कि कुछ मंथ्स में मैंने ऐसा हाँ मेरा एक एक चक्र एक्टिवेट करने के लिए मुझे मिनिमम ऐसे एट मंथ्स या फिर वन ईयर भी लगा है ठीक है मैं सीरियसली कह रहे होटथ चक्र से लेके जो भी हैं है है। पर, पर उसका कुछ साल पहले से ही हो रहा था तो ये, अगर मैं ये सारा प्रिपरेशन नहीं करती थी अगर ये मैं पूरा उस चीज को जानती थी नहीं, नहीं, नहीं जानती थी या फिर नहीं समझती थी तो ये शायद ये इतना मंथ जो हुआ है ना जो एट मंथ्स का जो टाइम पीरियड था उससे ज्यादा भी हो सकता था तो मैंने क्या किया तो जो इतने से मेरा प्रिपरेशन चल रहा था और जब मेरा टाइम आया कि वो मैं एक्टिवेट करूँ तो वो टाइम पर मैंने कुछ उसको कुछ मंथ्स दिए वो मंथ्स दिए वो एट मंथ्स या फिर फाइव मंथ्स जो भी मंथ्स लगे मुझे कुछ मंथ्स तो डेफिनेटली लगे मुझे मिनिमम you know, मेरा जब मैं चक्र एक्टिवेट हो रहा था उसके लिए मुझे मंथ्स मंथ्स लगे लगे कैन यू इतने सारे लगे, मुझे वो सिर्फ एक करने के लिए, ऐसा। तो जो मेरा अपने अंदर लेने के बाद भी वो अलडिन सीरीज जब मैंने देखा था उसके बाद से कंटिन्यूसली मुझे मेरे अंदर चेंजेस हो रहे थे कंटिन्यूसली डायमेंशन एक्टिवेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होते हैं है, हो थोड़ा, 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 थोड़ा। हो तो वो कुछ मंथ से कुछ ईयर से वो प्रोसेस चल रहा था पर जब मेरा वो प्रोसेस होना कंप्लीट वो प्रिपरेशन वाला चीज कंप्लीट किया मैंने उस चीज के लिए जो है जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था टेंथ डायमेंशन के वीडियो में जब आपका टेंथ डायमेंशन एक्टिव ट होता है उससे पहले आप बहुत सारे रिवर्सल्स ठीक करते हो अपने अंदर अपने फील्ड में बहुत सारे रिवर्सल्स ठीक करते हो अगर आप ऐसे सोचते हो कि आपके अंदर कोई रिवर्सल्स नहीं है तो आप गलत हो क्योंकि आप एक बायोलॉजिकली आपका बर्थ हुआ है कलयुग में सबका बायोलॉजिकल बर्थ ही होता है तो अगर आपका बायोलॉजिकल बर्थ हुआ है तो आपके अंदर आपके डी के अंदर कुछ इम्प्रिंट्स होते हैं जो आपको क्लियर आउट करना है क्लेंज आउट करना है मतलब आपको नेचुरली वो सारे चीजें मिलते हैं भले आपने पास टाइमलाइन में कुछ ऐसा गलतियां नहीं किया कुछ रिवर्सल वाली चीजें नहीं किए फिर भी अगर आपका से मिलता है। जरूरी नहीं है में, कि आपने कुछ गलत किया हो लेकिन क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हो हैज ह्यूमन हो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपके डीएनए के अंदर कुछ चीजें ऐसे ऐसे कुछ डिस्टोशन होते हैं जो आपको क्लियर करना है इसलिए आप ह्यूमन का क्रिएशन इसलिए हुआ कि एक ह्यूमन होगा जिसके अंदर एंजलिक बॉडी होगा जिसके अंदर ट्वेल्थ डीएनए हो गए और उस डी एन ए के अंदर सब कुछ मिक्स्ड है सारी चीजें मिक्स है तो वो ह्यूमंस आते ही इसलिए क्योंकि वो अपने डीएनए एन को रिपेयर करें अगर आप ऐसे कहते हो कि आपके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है आपके अंदर कोई रिवर्सल्स नहीं है तो आप अपने खुद का जर्नी को खुद ही डिले कर रहे हो ठीक है आगे की चीजें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी मैं थैंक यू सो मच फॉर निगम श्री माते नमह